बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। भारतीय सैन्य बल में शामिल हल्के हेलीकॉप्टर चीता और चेतक अब पुराने पड़ चुके हैं। चीन के साथ मौजूदा गतिरोध और पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव के बीच सैन्य बल जल्द से जल्द इनकी जगह नए हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। केंद्र सरकार इन पुराने पड़ चुके हेलीकॉप्टर के स्थान पर रूसी कामो 2260 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का फैसला कर चुकी है, लेकिन लाल फिताशाही की वजह से अभी तक इनकी खरीद को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। एसजीपीजीआई के डायरेक्टर आरके धीमान ने शनिवार सुबह अस्पताल में भर्ती कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का अपडेट जारी किया। उन्होंने बताया कि कल्याण सिंह की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। वे अपने संबंधियों के साथ और डॉक्टर्स की टीम से लगातार बात कर रहे हैं। सीनियर्स डॉक्टर लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार जाँच किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बहुत जल्द ही हाईटेक होने वाले हैं। बीजेपी की तर्ज पर आरएसएस में खुद का आईटी सेल बनाने पर काम चल रहा है। इसके तहत एक एक स्वयंसेवक सोशल मीडिया से जुड़ेगा और दमदार तरीके से अपनी बात रखेगा। अभी तक आम तौर पर संघ और स्वयंसेवक सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखते थे। संघ के बड़े स्तर के पदाधिकारी सोशल मीडिया से जुड़े तो है, लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं है, पर अब बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। यूरोपीय संघ ने चीन को बड़ा झटका देते हुए 2022 में होने वाले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमें चीन के मानवाधिकारों के हनन के कारण बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले निमंत्रण को अस्वीकार करना चाहिए। यह भी कहा कि उइगुर मुसलमानों को लेकर चीन के व्यवहार पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के समर्थन का भी ऐलान किया। मदर डेयरी ने 11 जुलाई से दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें सभी तरह के दूध के लिए लागू होगी। आखिरी बार करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में कंपनी ने दूध की कीमतें बढ़ाई थी। एक बयान में कहा गया है कि कंपनी समस्त इनपुट लागतों पर महंगाई का दबाव झेल रही है, जो पिछले 1 साल में कई गुना बढ़ गया है। कोरोना के कारण भी दूध उत्पादन में उसे संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत की एक और बेटी अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश में जन्मी शिरीषा बांदला 11 जुलाई को यह उड़ान भरने वाली है। उनकी ये उड़ान ध्वनि की गति से लगभग 3.5 गुना तेज होगी। शिरीषा बांदला ने इस उड़ान से पहले भारत को भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ भारत को भी ऊपर लेकर जा रही हूँ। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली बांदला भारत में जन्मी दूसरी महिला होगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की विदाई के बाद से ही तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने देश के 85% हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। घबराई अफगान सरकार ने भारत, रूस और चीन से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि किसी भी बाहरी देश को अफगान सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम बाहरी भागीदारों से अपनी रक्षा करने के लिए सहायता की आस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द हर्बल रोड बनाई जाएगी। इससे हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाले पेड़ सड़क के दोनों ओर लगाए जाएंगे।
इनमें शीशम, आंवला और नीम के पेड़ शामिल है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक आदेश में अधिकारियों से कहा कि हर्बल रोड प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। राज्य में 800 किलोमीटर लंबी हर्बल बेल्ट बनाने की योजना है। कोरोना से दुनिया को परेशान करने वाला चीन अब इंसानों की एक ऐसी प्रजाति बना रहा है जो शायद परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होगी। इसके लिए चीन दुनिया भर के बच्चों के शरीर से उनका डीएनए चुरा रहा है। इसी चोरी के सहारे चीन इंसानों की एक नई प्रजाति बनाने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें सुपर ह्यूमंस कहा जाता है। ये ऐसे इंसान और सैनिक होंगे जिनके मन में ना तो भावनाएं होगी, ना इन्हें दर्द होगा और न ही इन्हें ठंड और गर्मी का एहसास होगा। कोरोना संक्रमण के कई खतरे मालूम हैं, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों में इसके कई नए खतरे सामने आ रहे हैं। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार कोरोना मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। यह पाया गया है कि इससे ब्रेन फॉग तथा मस्तिष्क की कोशिकाओं को रक्त संचार में बाधा से हल्के दौरों का खतरा भी हो सकता है। कोरोना के गंभीर संक्रमण से ठीक हुए 80% लोगों में मस्तिष्क रोगों के लक्षण दिखे हैं। इनमें प्रमुख रूप से स्मृति लोप और हल्के दौरों के लक्षण पाए गए हैं। तो टॉप 10 में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।